हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइन आर्ट्स में CBSE क्लास 12 की मॉडर्न पेंटिंग दीपाली श्रीवास्तव मैम के साथ। और इस मॉडर्न पेंटिंग का नाम क्या है? नाम है द वल्चर। नाम से ही पता चल रहा होगा जो वल्चर क्या है। एक ऐसा जानवर है जो कि जो मरी हुई जो एनिमल्स होते हैं या फिर लाश होती हैं उनको खाता है। तो मतलब एक एक जब कोई जीव होता है जो मर भी जाता है तो भी उसको नहीं छोड़ा जाता है। वो जो सिंबॉलिक है जो वल्चर का, वही इस पेंटिंग में इस्तेमाल किया गया है इंसानों के साथ। अब जैसे कि हमेशा होता है सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस में अगर देखा जाए, अगर आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ उनको ये पता चल जाए कि क्या क्या हो चुका है। तो यूनिट वन है, इसके हर एक जो ऑप्शंस है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो छूटा होएगा, वो हर एक ऑप्शन आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल चुका है। एट द एंड ऑफ द जो वीडियो है आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आप जा सकते हैं और इन वीडियोज़ को आप रेफर कर सकते हैं, उनसे लाभ उठा सकते हैं। और जब अगर यूनिट टू पूरा हो चुका है, ईच एंड एवरी ऑप्शन हो चुका है, यूनिट थ्री भी ए एंड बी और ये पूरा यहाँ तक हो चुका है। अब मॉडर्न ट्रेंड्स में भी अगर देखा जाए तो रामा वैंक्विशिंग द ड भी हो चुका है, मदर एंड चाइल्ड हो चुका है, हल्दी ग्राइंडर हो चुका है, मदर टेरेसा हो चुका है। और हम लोग करने जा रहे हैं जो पेंटिंग्स के अंडर में जो कि लास्ट है, जो कि द वल्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे ग्राफिक पेंटिंग्स। तो अब हम लोग आते हैं वल्चर में। तो जो वल्चर का जो ये सीन है, जो वल्चर इसमें दिखाया भी गया है, जो गिद्ध होता है उसको वल्चर बोलते हैं। तो गिद्ध किस तरीके से, ये एक औरत का फिगर है और जो जो एक इंडिया में जो औरत की जो दयनीय स्थिति है उसको ये दर्शाता हुआ ये वाली पेंटिंग बनाई गई है। और वैसे तो अब समय बदल रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, और लड़कों का भी एटीट्यूड लड़कियों की तरफ बदलता जा रहा है। और अब ये जमाने बदलते हुए ज़माने के साथ, चाहे जो भी ये वीडियो देख रहा हो उसके लिए यही है कि चाहे आदमियों को औरत की इज्जत करनी चाहिए और औरतों को आदमियों की म्यूचुअल एक दूसरे के रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। लेकिन इसमें जो इन्होंने जो समस्या दिखाई है, जो इंडिया की जो जो भी आज भी अब लड़कों के समझदारी के साथ साथ वो भी कम होती जा रही है, वो जो समस्या इसमें दिखाई है वो है डाउरी सिस्टम। उसको दिखाने की कोशिश करी है कि चाहे औरत का जीवन ख़त्म हो जाए लेकिन जो उसके उसके घर परिवार वाले होते हैं, जो उसके ससुराल वाले होते हैं, वो औरत जो एक इंसान है, जीती जागती एक इंसान है, उसको उसको ना चाह के उसके उसके जेवर, उसका पैसा, उसको वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि एक इंसान को। चाहे वो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक रस्सी से उसके गले में बंधी हुई है, मतलब चाहे वो जे वो औरत मरने का डिसीजन उसके लिए, उसके लिए ज़िंदगी से ज़्यादा उसको अच्छा मौत लगने लग जाए, लेकिन तो भी वो यही मरते मरते दम तक उसके साथ वो लोग बस पैसे की और जेवर और जेवरात की ही वो लोग इच्छा रखते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं रखते। जो कि यहाँ पे है, इसमें भी, इसमें आप देखेंगे बास्केट में तो ये ऑर्नामेंट्स ही भरे हुए हैं, मतलब वो औरत को बस इतना ही इज्जत देते हैं कि वो उनकी जीवन संगिनी ना होके उनके लिए एक पैसा बटोरने की एक माध्यम बन जाती है। तो ये वाले इन्होंने ये जो है इस पेंटिंग में दिखाने की जो कोशिश करी है। अब देखते हैं कि ये क्या है। जैसे कि हमेशा आपको बताया कि ये जो पॉइंटर्स हैं आप ज़रूर लिखिए, ये आपकी जो वन मार्कर हैं, ये अगर आपको पेंटिंग लिखने को आए तो भी आप इसी से ही स्टार्ट करिए। और अगर आपको इसके साथ साथ इसमें जो 6 मार्क जो आपके वन मार्क क्वेश्चंस के हैं उसमें भी आपको पूरे के पूरे इसको स्कोर करने में मदद मिल जाएगी। अब आर्टिस्ट कौन है इसके? कमलेश दत्त पांडे हैं। नाम क्या है पेंटिंग का? जो नाम है पेंटिंग का, इसमें जब आप लिखेंगे तो इसमें ये भी लिखेंगे आपकी नेम, जो कि इसमें अभी टाइपिंग में शायद मिस हो गया है, तो वो भी आप हमेशा लिखेंगे। नेम क्या है इसका? द वल्चर। अब इसके आर्टिस्ट कौन है? कमलेश दत्त पांडे हैं। और ये पीरियड क्या है? 1980 AD है। और मीडियम क्या है? ये ऑयल ऑन कैनवास है। और स्कूल क्या है? मॉडर्न स्कूल है। तो ये आप ज़रूर लिखिएगा। अब ये वन मार्कर में कैसे आ सकते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि द वल्चर जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है, तो आप लिखेंगे कमलेश दत्त पांडे ने बनाई है। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कमलेश दत्त पांडे की एक पेंटिंग जो आपने पढ़ी हुई हो वो कौन सी है, जो आप
आपने समझी हुई है तो वह आप बोलेंगे द वल्चर है, या फिर पूछेंगे कि द वल्चर कौन सी मीडियम में बना हुआ है तो ऑयल ऑन कैनवास में बना हुआ है, या फिर पूछेंगे कि द वल्चर है वो कौन से स्कूल को बिलोंग करता है तो मॉडर्न स्कूल को बिलोंग करता है, या फिर कमलेश दत्त पांडे ने जो वल्चर बनाई हुई जो पेंटिंग बनाई है वो कौन से मीडियम में बनाई है तो ऑयल ऑन कैनवास में बनाई है, या फिर कमलेश दत्त पांडे कौन से स्कूल को बिलोंग करते हैं तो मॉडर्न स्कूल को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के ही इर्द गिर्द ही घूमेंगे। तो अगर आपने इसको अच्छे से कई बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जो 6 मार्क्स जो स्टार्टिंग के हैं वो आपके पूरे के पूरे आपको मिलने में उसको आसानी हो जाएगी। और साथ में अगर कोई पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन आ रहा है तो इसमें लिखते ही जो एग्जामिनर है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, आपसे सोचेगा हाँ ये ऐसा बच्चा है जो वाकई में इसके लिए मेहनत करके आया है, और फिर इसको वैसे ही जब इम्प्रेस हो जाएगा तो आपको मार्क्स मिलने में आसानी हो जाएगी। और सब्जेक्ट क्या है, दिस पेंटिंग इज डिपेक्टिंग ऑन सोशल ईविल ऑफ डाउरी एंड ब्राइड बर्निंग विच इज प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। तो ये अपना सामाजिक कुरूति है कौन जो है कि दहेज प्रथा के बारे में ये पेंटिंग दिखाती है, और इसके साथ में जो दहेज प्रथा के साथ से दहेज ही तक लिमिटेड नहीं होता है, यहाँ तक कि औरतों को जो जला दिया जाता है उसको टॉर्चर कर करके वो भी ये हमारे जो समाज में ये जो व्याप्त है ये जो कुरूति उसके बारे में ये बताया गया है। अब इसका डिस्क्रिप्शन, दिस पेंटिंग शोज अ वेरी सैड सीन विद अ लाइफलेस लेडी हैंगिंग फ्रॉम अ रोप विच इज टाइड अराउंड द नेक। तो ये एक बहुत ही दुखित कर देने वाली पेंटिंग है जिसमें एक औरत है जिसकी कि अब निर्जीव हो चुकी है और उस औरत के गले में एक फंदा टंगा हुआ घुमा हुआ है। Hands and feet are tied and the fire is right under her feet. उसके हाथ और पैर दोनों ही बांध दिए गए हैं और नीचे से आग जल रही है, मतलब उसको जलाने का पूरा कार्यक्रम सेट कर दिया गया है। A vulture is trying to pull her last ornament. तो vulture कौन है, जो vulture जो उसके जो घर वाले हैं जो वो उसके last ornament जो गले में जो पहनी हुई है वो भी उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। A necklace before she is burnt to ashes. तो वो उसको जिससे पहले कि वो राख हो जाए वह उसको भी उसके ऑर्नामेंट्स को भी उसको नेकलेस को उसके गले के माले को भी खींचते हुए दिखा रहे हैं। ये इससे अच्छा इससे तरीका नहीं हो सकता दर्शाने के लिए कि औरत के ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म किया जाता है। और द वल्चर इज सिटिंग ऑन अ टेबल विच हैज़ अ बॉक्स फुल ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑन द लेफ्ट साइड दिज अ बैग विच इज़ फुल ऑफ मनी। तो वल्चर एक टेबल पे बैठा हुआ है जिसकी एक तरफ तो एक बॉक्स है जिसमें कि ऑर्नामेंट्स भरे हुए हैं और उसके आगे एक बैग है और उस बैग में पैसे भरे हुए हैं, मतलब दहेज जो जो शादी है शादी का मेन पर्पस जो होता है वो एक जीवन संगनी को अपने साथ लाने का नहीं बल्कि उससे अपने घर में जो जेवरात है उसको भरना और अपने घर के पैसे को भरना ये मेन है, अपने बलबूते पे का नहीं चलना बल्कि औरत के थ्रू ये सब लाना ये दिखाया गया है। द वल्चर रिप्रेजेंट्स द ग्रीड, द वल्चर दिखा रहा है कि एक इंसान कितना ज़्यादा लालची हो सकता है और वो उस लालच के पीछे एक औरत को कितना दबाता जा रहा है और उसको अपनी फैमिली के लिए उसकी फैमिली से सिर्फ उसको पैसा और रुपया के अलावा एक दहेज प्रथा के नाम पे और कुछ भी नहीं चाहिए है। द वल्चर रिप्रेजेंट्स द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वल्चर एक जो पुरुष प्रधान समाज है उसको दर्शा रहा है और उस पुरुष प्रधान समाज का जो नज़रिया है औरत की तरफ से उसको दिखा रहा है, और उनका क्या नज़रिया है कि वो औरत को दबा कर रखना चाहते हैं और इतना दबा के रखना चाहते हैं कि अपने लालच में अब के भ्रम में लालच में इतना डूब जाते हैं कि वे उसकी ज़िंदगी तक लेने को तैयार हो जाते हैं। This shows that in the human character an unjustified attitude of the male dominated society. ये दिखाता है जो unjustified मतलब जिसको आप न्यायिक ना हो जो न्यायिक एटीट्यूड ना हो वो जो नज़रिया है वो जो आदमी का औरतों की तरफ है वो दिखाता है, और इस तरह से ये बना कर उन्होंने जो लोगों के जो अंदर की अंतरात्मा है उसको जगाने की कोशिश करी है और उनको उनकी उनके अंदर की अंतर आत्मा ये बोले कि ये जो प्रथा है ये गलत है ये तरीका है ये जो गलत है ये दिखाने की उन्होंने कोशिश करी हुई है। अब कलर स्कीम इसका क्या है, डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर ऑफ द बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड आप देखते हैं ज़्यादातर जो कलर है वो ब्लू एंड ब्लैक इस्तेमाल करा गया है।
एंड जो डार्क डार्क कलर यूज़ करके वो जो 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 समाज का जो जो काला हिस्सा है, मतलब जो कुरूति से भरा हुआ जो गलत हिस्सा है, जो अधर्मी हिस्सा है, वो दिखाने की कोशिश करी हुई है। और इसके इसके कंट्रास्ट में जो अगर फोरग्राउंड है जो आगे है थोड़ा थोड़ा सा पिंकिश है और ब्राइट कलर का इसको बनाने की कोशिश करी गई है। और जो टोन्स हैं, जो इसमें कलर टोन्स हैं, वो जो इस्तेमाल किए हुए हैं वो बहुत ड्रामेटिक इफ़ेक्ट देने के लिए, ड्रामेटिक इफ़ेक्ट क्योंकि वो ये जो टॉपिक है ये इसको बहुत ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करी है, उसको तो ड्रामेटिक इफ़ेक्ट देने की कोशिश करी हुई है। और जो ये जो आग है उसका जो कलर है वो पूरा तरीके से वो पूरी पेंटिंग में डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत और मर्मस्पर्शी मॉडर्न पेंटिंग द वल्चर यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपने अभी तक आप अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं और आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस जो लिंक है इसको इस्तेमाल करके आप जा सकते हैं। और आप CBSE क्लास 12 टीचर ह्यूमैनिटीज़ में सिर्फ फाइन आर्ट्स के ही नहीं बल्कि आप सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश इन सब के वीडियोज़ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आपको टॉपिक हो किसी चीज़ में जिसको आप पहले चाहिए है तो आप इसको बता सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आपके सामने आपको पढ़ाने की उसको कोशिश करें। और अच्छे से आप जितने भी वीडियोस हैं उसको सुनिए और समझिए और खूब अच्छे मार्क्स से पास होइए, अपने माता पिता को प्राउड मोमेंट दीजिए।